हेलो, सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर, क्या हाल है बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? जी? मैं अब्दुल बात कर रहा हूँ चकवाल से। जी मेरी जान, फरमाए क्या पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर, ये पत्ता कुर्बानी का तो एक गला खराब हो रहा है, गला बहुत बैठा हुआ है। बैठा हुआ है? अच्छा, क्यों उससे गाना गलवाना? गाना गाना तो नहीं सुनना है? गाना तो नहीं सुनना अगर गला बैठा हुआ है। चले मैं आपको बताता हूँ, ऐसा बेहतरीन उसका गला भी ठीक हो जाएगा और उसको अगर खुदा ना खास्ता कोई खांसी या नज़ला है वो भी ठीक हो जाएगा। बस सर, गल हाँ जी एक और मतलब यह है कि वो जो है जरा ठीक नहीं कर रहा। दूसरा ये है कि जो कर रहे ना पखाना, वो ऐसे गोबर गोबर से कर रहे हैं, वो महंगे नहीं कर रहा। मैंगनी नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि उसका मैदा भी खराब है और गला भी खराब है और दोनों का इलाज है मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे चूंकि पहला लफ्ज आपने कहा कि गला खराब है और सही वो बोल नहीं रहा, ठीक है, यही है ना, आवाज नहीं उसकी निकल रही। और उसके लिए एक घर में बना ले सेलाइन इलेक्ट्री, जी क्या सलाइन सेलाइन इलेक्ट्री, लाइन इलेक्ट्री? हाँ ये क्या होती है, मार्केट से भी मिल जाएगी लेकिन बेहतर है कि घर में बना लें। अलसी एक ही बकरा है या और भी हैं? एक ही है तो थोड़ा सा ले आओ यार, खैर है, ये अलसी मिल जाएगी। अलसी कोई 250 ग्राम ले ले या 1 पाव, कहूँ आपको चकवाल वाली जबान इस्तेमाल करूँ ना, 1 पाव ले ले अलसी, आधा पाव ले ले ये मलट्ठी और एक छटांक ले ले नौशादर, ये तीनों चीजें, और गुड़ ले लें कोई 1 पाव। इन सारी तीनों चीजों को अच्छी तरह पीस के पाउडर बना के गुड़ के साथ मिला के और ऐसा जबरदस्त किस्म की गुलकंद सी बन जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी इसको चटाएं सुबह दोपहर शाम, कोई 20-20 ग्राम चटाएं, 20 ग्राम, ठीक मेरी जान? ये इंशाल्लाह इसका गला ठीक हो जाएगा और आप इसकी आवाज बड़ी प्यारी प्यारी इसको ये बोलेगा तो मजा आएगा। और ऊंची से आवाज से भी अगर कहीं दूर से इसको कोई और बकरा होगा तो उसकी या बकरी की आवाज आएगी तो ये भी बोलेगा, ठीक है? एक नंबर, एक नंबर। दो, उसका जो स्टोमिक खराब हो रहा है उसके लिए मैं खर्चा नहीं ज्यादा करवाना चाहता आपका, एक ले आए डायरोबान, डायरोबान साशे 2-3 ले आए, 3 या 4 ले आए, घर में रखें डायरोबान का साशे और 1 पाव पानी में घोल के और एक ही उसके अंदर ORS निमकोल, बल्कि पानी उसको सारा निमकोल वाला ही पिलाना है, ठीक है? ये ORS और यो जो मैं कह रहा हूं डायरोबान, ये इनको अच्छी तरह मिक्स करके तो ये मेरी जान इसको पिला दें। जब पिलाना है तो इसका वो होता है ना, जुबान नहीं पकड़नी, वो है कोई ड्रेंचिंग गन एक छोटी सी रखी है, वेरी गुड, ड्रेंचिंग गन से पिलाएं या सिरिंज से अगर को पिलाते हैं साइड से, ताकि उसके वो सांस वाली नाली में ना चली जाए, नहीं तो अथू लग जाता है उसको, ड्रेंचिंग हो जाती है, ठीक है? फिर और लेने के देने पड़ जाते हैं, फिर सांस की नाली में से फिर वो मसला हो जाता है, फिर कई दफा उससे नमूनिया भी हो जाता है, बड़ा कुछ हो जाता है, ठीक है? ये बड़ा एहतियात से करना है। जिन लोगों ने जो प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं और उन्होंने बकरे बकरियां रखी हुई हैं वो प्लीज छोटी ड्रेंचिंग गन रखें, और जो बड़े वाले हैं वो बड़ी ड्रेंचिंग गन ले आए,
और बड़ी ड्रेंचिंग गन से ही तेल भी दिया करें, और भी दूसरी चीजें जो मैं बताता रहता हूँ, दवाई देनी हो, कोई चीज देनी हो, वो उससे पिलाया करें, ठीक जी है डॉक्टर, जी डॉक्टर, जी मेरी जान, ये करना है आपने। और थोड़ा एक घर में सुफूफ भी बना के हाजमे वाला भी रखें, इसका स्टमक पाउडर वो बनाया हुआ है, वेरी गुड, वो रखें, वो हफ्ते में 2 दफा दे दिया करें, बल्कि इसको हफ्ते में 3 दफा देना है, ठीक है, ये भी करते रहें। और अल्लाह फजल करेगा, अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि बेहतरीन हो, अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए, ठीक है, इसकी खातर करें अच्छी। कोई मसला हो मैं तो आपको पता है आपके पास के लिए हूँ 11 बजे से 1 बजे तक, और ये आगे चूंकि बड़े क्रिटिकल डेज आ रहे हैं, करीब से करीब तर आती जा रही है ईद और कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं, लोगों ने जानवर खरीदने हैं, लोगों को जानवरों को प्रॉब्लम्स आने हैं, तो हो सकता है कि मैं ये अपनी जो सर्विस है इसको लंबी करूं, लोगों को हर वक्त अवेलेबल, हर वक्त तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा देर तक अवेलेबल हूं, ताकि उनके अगर कोई मसाइल होते हैं तो वो ठीक होते जाएं। बिस्मिल्लाह। और चकवाल कौन सी जगह से बोल रहे हैं? हाँ, वहां से, वो तो सारे अवान है उधर। हाँ, चले, सबको सलाम, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो शख्स अपना खाना पीना छोड़ दे। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। बीमल्ला। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।